तेरा वह मंत्री कौन होगा, किसकी खुलेगी किस्मत, किसकी किस्मत में है राजयोग, किनको नामों पर हो सकती है चर्चा। आज हम इन तमाम सवालों पर करेंगे चर्चा। प्रदेश की भूपेश कैबिनेट में विस्तार की चर्चाएं एक बार फिर जोर पकड़ने लगी है। राजनीतिक गलियारों में इसको लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। एक मंत्री पद खाली है, ये पद किसे मिलेगा, किसकी किस्मत का दरवाजा खुलेगा, इसको लेकर लोगों ने अपने स्तर पर कयास लगाने शुरू कर दिए हैं। इसमें कोई शक नहीं कि मंत्री पद के दावेदार बहुत ज्यादा है और भूपेश पर इसको लेकर एक बड़ा दबाव भी है कि आखिर वे किसे मंत्री बनाए और किसे नाराज करें। इस बार कांग्रेस ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है, 67 विधायक जीत कर आए हैं। कई बड़े नेता भी इसमें शामिल है जो पहले मंत्री रह चुके हैं। इस बार भी मंत्री पद के प्रबल दावेदार थे मगर उनकी मंशा पूरी नहीं हो पाई। ऐसे में इन वरिष्ठ नेताओं को बचे हुए एक पद पर अपनी इच्छा पूरी होने की उम्मीद है। सूत्रों की माने तो भूपेश अपने कुछ मंत्रियों को भी बदल सकते हैं। यदि ऐसा हुआ तो कुछ और नए वरिष्ठों को कैबिनेट में मौका मिल सकता है। धनेन्द्र साहू, सत्यनारायण शर्मा, अमरजीत भगत, अमितेश शुक्ल, अरुण वोरा जैसे कई और बड़े नेता हैं जो इस दौड़ में शामिल है। इनमें भी सत्यनारायण शर्मा, अमितेश शुक्ल और धनेन्द्र साहू की संभावना सबसे ज्यादा है। ये तीनों नेता रायपुर संभाग से आते हैं और रायपुर संभाग को अब तक मंत्री पद नसीब नहीं हुआ है। यदि वरिष्ठों को मौका देने की बारी आई तो धनेन्द्र साहू और सत्यनारायण शर्मा दौड़ में काफी आगे है, लेकिन यदि जातिगत समीकरण भी बैलेंस करने पड़े तो धनेन्द्र साहू इसमें मात खा सकते हैं, क्योंकि ओबीसी कोटे से खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, मंत्री ताम्रध्वज साहू और उमेश पटेल पहले ही कैबिनेट में शामिल है। ऐसे में सत्यनारायण शर्मा और अमितेश शुक्ल इस दौड़ में सबसे आगे है। अमितेश की संभावना इसलिए और ज्यादा बढ़ जाती है क्योंकि उन्होंने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है, युवा है और सबसे अहम बात यह है कि वेल एजुकेट होने के साथ साथ मंत्री पद संभालने का भी अनुभव है। इन सब से बढ़कर खुद अमितेश और उनके शुक्ल खानदान के 50 साल से ज्यादा के राजनीतिक सफर बहुत साफ सुथरा रहा है। यही कारण है कि इंदिरा गांधी से लेकर राजीव, सोनिया और राहुल गांधी तक सभी शुक्ल परिवार को काफी तवज्जो देते रहे हैं। 10 जनपद से अच्छे संबंधों का फायदा निश्चित ही अमितेश को मिल सकता है। चुनाव के दौरान भी प्रचार करने राजिम पहुंचे स्टार प्रचारकों ने यहां की जनता को विधायक के साथ मंत्री चुनने का भरोसा दिलाया था। राजिम विधानसभा की जनता और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता इसी बात से निश्चिंत है कि उनकी विधानसभा के प्रतिनिधि को मंत्रिमंडल में देर सवेर जगह जरूर मिलेगा। एनएसयूआई के गरियाबंद जिलाध्यक्ष केशु सिन्हा, स्पोर्ट्स सेल के प्रदेश सचिव हरमेश चावड़ा, युवा नेता सौरभ देवांगन के मुताबिक उनके नेता अमितेश शुक्ल को मंत्रिमंडल में शामिल होने की पूरी संभावनाएं हैं। उनके मुताबिक निर्णय चाहे संभाग वाइज संतुलन बिठाते हुए लिया जाए या फिर जातिगत समीकरण बिठाते हुए या फिर कार्यशैली के आधार पर अमितेश शुक्ल का नाम इनमें सबसे ऊपर है।